आज की बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य है? झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ की के केंद्रीय इकाई की आज बैठक थी। राज्य के लगभग 40 विभाग में कार्यरत अनुबंध कर्मियों को लेकर हमारा अनुबंध कर्मचारी महासंघ काम कर रहा है। राज्य सरकार अलग अलग विभागों के लोगों के साथ जिन समझौते को की है, सरकार उन समझौते को लागू करे। अनुबंध कर्मचारी महासंघ सरकार से ये मांग करता है कि राज्य के तमाम अनुबंध कर्मियों के लिए समायोजन नीति का निर्माण हो और सभी को समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए। और ये जो दो काम है, समायोजन नीति निर्माण और समान काम का समान वेतन, इसके लिए हम लोग सरकार को ज़्यादा समय नहीं देंगे। सरकार लोकसभा चुनाव के पहले समान काम के लिए समान वेतन लागू करे और तमाम अनुबंध कर्मियों के लिए समायोजन नीति के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो राज्य में 6 लाख अनुबंध कर्मी हैं। 6 लाख अनुबंध कर्मी में 60 लाख पारिवारिक वोटर के साथ भाजपा और आजसूपा के खिलाफ रहेंगे। हम लोग इसके लिए पूरे राज्य में संपर्क अभियान चलाएंगे और हो सकता है क्या कि हम लोग पूर्व में जो विधानसभा सम्मेलन कर रहे थे, लोकसभा सम्मेलन कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग राज्य स्तर पर भी सम्मेलन करेंगे। आज की यही रणनीति बनी है, हम लोग इस रणनीति पर कल से काम प्रारंभ करेंगे। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति के सवाल पर हम लोगों ने जो ये कहा कि हम लोग सरकार के साथ वार्ता में हैं, हमारे तमाम विभाग के जो लोग हैं वो लोग वार्ता में हैं। सरकार ने पारा शिक्षकों के साथ ये वादा किया है कि 90 दिन में नियमावली बना देंगे। सरकार ने चिकित्सा विभाग के लोगों के लिए एक नियमावली बना रखी है, उसमें परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा है। सरकार रसोईया के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। सरकार होमगार्ड के जो साथी हैं उन लोगों के साथ समान काम के समान वेतन की व्यवस्था नहीं कर रही। ये जो चीज़ें हैं, इस तरह के अभी हम लोग देख रहे हैं कि SBM जिन जिन जिलों में स्वच्छ भारत मिशन का कार्य पूरा हो गया है उस जगह पर आप उनको हटा दे रहे हैं, ये हम लोग नहीं होने देंगे। आप यूज एंड थ्रो की नीति चलाएंगे, ये हम लोग नहीं होने देंगे। आप अगर कोई दूसरी परियोजना ला रहे हैं तो जो पूर्व में जो कार्यरत साथी हैं उन सारे साथियों को उसमें सामंजन करना पड़ेगा। इन चीज़ों को लेकर हम लोग सरकार के साथ प्रथम वार्ता में जाएंगे। अगर हम लोगों की का काम पूरा नहीं होता है लोकसभा चुनाव के पहले, तो हो सकता है कि हम लोग भाजपा के तमाम सांसदों को हराने के लिए भी हम लोग एकजुट होंगे। यही हम लोगों की आगे की तारीख है। अपना नाम बताइए। ग्राम ज्योति, केंद्रीय अध्यक्ष, झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ।